पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक बहुत बड़ी जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया है बड़ा बवाल। भारत के लिए आई पॉइंट्स टेबल में बड़ी खुशखबरी, तो पाकिस्तान होगा सुपर 8 से बाहर। जी हां, भारत की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ी खलबली मच चुकी है। देखिए, मुकाबला इतना रोमांचक था कि पॉइंट्स टेबल भी अब उससे ज्यादा रोमांचक हो चुकी है। मुकाबला इसीलिए भी रोमांचक था क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि ये मुकाबला किस तरफा बैठेगा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करी और पहले बल्लेबाजी करते हुए जब आप केवल 119 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं, T20 वर्ल्ड कप में पहली बार भारत ऑल आउट होता है पाकिस्तान के सामने, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाते, सिवाय ऋषभ पंत के किसी भी बल्लेबाज ने अच्छी बल्लेबाजी ही नहीं करी, बड़े बड़े नाम फ्लॉप साबित हुए। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुकाबले में 119 रन का पीछा करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता था। लेकिन किसने सोचा कि जिस तरह से भारत ने खराब खेल दिखाया, उससे भी खराब खेल यहाँ पाकिस्तान ने दिखाया। यहाँ ये नहीं था कि कौन अच्छा खेलेगा, यहाँ ये था कि कौन कम खराब खेलेगा, क्योंकि पिच ही इस तरह की है। लेकिन भारत ने कम खराब खेला, भारत की गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही। जसप्रीत बुमराह की बात करें, हर्षदीप सिंह की बात करें, मोहम्मद सिराज की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, इन सब ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है, और जिसकी वजह से अंतिम ओवरों के रोमांचक मुकाबले में भारत पाकिस्तान को हरा देता है। आखिर के 6 बॉल पर 18 रन की जरूरत ही नहीं बना पाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन भारत की जीत से पॉइंट्स टेबल में उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, सुपर 8 में भारत की जगह पक्की है। तो कहां पर भारत के मुकाबले सुपर 8 में किन टीमों से होंगे, उसके भी समीकरण अब बन चुके हैं, जिसकी भी तस्वीर सामने आ चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान अब कैसे सुपर 8 से बाहर हो गया है, सब कुछ जानेंगे इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी राय जानना चाहूंगा, इस मुकाबले में आपको क्या लगता है, कौन सा खिलाड़ी था गेम चेंजर आपके लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। तो जी हां, भारत की सुपर 8 की तस्वीर साफ हो रही है, और भारत के मुकाबले किन टीमों से होंगे इसकी भी तस्वीर साफ हो रही है। भारत के बारे में सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले कि भारत सुपर 8 में किन से बढ़ेगा, ये समझने के लिए आपको बाकी ग्रुप पर भी एक नजर डालनी होगी। तो चलिए एक नजर उन पर डाल देते हैं। ग्रुप डी में फिलहाल साउथ अफ्रीका पहले पायदान पर है, जिसने 2 मुकाबले खेले, दोनों जीते, 4 पॉइंट है। बांग्लादेश और नीदरलैंड 2-2 पॉइंट के साथ में दूसरे तीसरे पायदान पर है। फिर नेपाल और श्रीलंका का नाम आता है। इसी तरीके से ग्रुप सी में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम 2 में से 2 जीत चुके हैं, वेस्ट इंडीज भी 2 में से 2 जीत चुके हैं। यूजी और पीएनजी की हालत खराब है, जरूर यूजीए को एक जीत मिल चुकी है, लेकिन न्यूजीलैंड को जो अफगानिस्तान के खिलाफ हार मिली वो काफी ज्यादा दुख देने वाली है। यहाँ पर ग्रुप बी की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, जिनमें 2 में 2 जीत चुके हैं, इनकी भी जगह सुपर 8 में तय लग रही है। उसके बाद स्कॉटलैंड, नामीबिया, इंग्लैंड को यहाँ ये बड़ी शर्म की बात है कि 2 में से 1 भी मुकाबला जीता नहीं, क्योंकि एक बारिश कहते चढ़ गया और एक मुकाबला ये हार चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और ओमान है। और इसके बाद आता है भारत का ग्रुप, जहां हम आपको बताएंगे क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहां पर जो टोटल 4 ग्रुप बनाए गए, उसमें से प्रत्येक ग्रुप से 2-2 टीमें निकलकर आएगी, ये बात तो तय है। अच्छा, भारतीय क्रिकेट टीम के ग्रुप की बात करते हैं, और अब पाकिस्तान के समीकरण को भी समझेंगे, कैसे सुपर 8 से बाहर है और भारत के मुकाबले किन से होंगे, वो भी आपको तस्वीर साफ आएगी। दरअसल ग्रुप ए के अंदर, जिसमें भारत है, 5वें पायदान पर आयरलैंड क्रिकेट टीम का नाम आता है, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले और दोनों मुकाबले में उन्हें करारी शिकस्त मिली। एक मुकाबला इंडिया के खिलाफ खेला और एक मुकाबला कनाडा के खिलाफ खेला, और दोनों ही मुकाबलों में इन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं। तो कुल मिलाकर आयरलैंड क्रिकेट टीम 2 मुकाबले हारकर सुपर 8 की रेस से बाहर होने के कगार पर है। यहाँ पर इस टीम ने इतना अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए शुरुआत से ही उस रेस से बाहर है। लेकिन ऐसे ही हालात तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैं, जिन्होंने 4थे पायदान पर इस पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह पक्की करी है। 2 मुकाबले खेले, 2 ही मुकाबले हारे हैं, और जी इनके पास कोई पॉइंट्स ही नहीं है, नेट रन रेट भी इनकी काफ़ी ख़राब हो चुकी है और 4थे पायदान पर है। मैं अगर आपसे कहूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी सुपर 8 से बाहर होने के कगार पर है, ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किस्मत अब उसके हाथ में नहीं है। दरअसल अब बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान के बचे 2 मुकाबले हैं, एक आयरलैंड के खिलाफ, एक कनाडा के खिलाफ। अगर दोनों मुकाबले पाकिस्तान जीत भी जाता है तो 4 पॉइंट ही होंगे। भारत के पास अभी भी 4 पॉइंट है और यूएसए के खिलाफ अभी 4 पॉइंट है। इसका मतलब साफ है कि भारत और यूएसए ये दोनों बड़ी डिसाइडर टीमें होंगी जो पाकिस्तान का रास्ता तय करेगी। दरअसल पाकिस्तान को बचे हुए 2 मुकाबले पहले तो जीतने होंगे, वो जीतेंगे या नहीं इस बात की अब कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर वो 2 मुकाबले बचे हुए जीत जाते हैं तो यहाँ पर बात ये होगी कि वो उम्मीद करेंगे कि भारत अमेरिका को तो हराए ही, लेकिन अमेरिका आयरलैंड से भी हार जाए, मतलब अमेरिका बचे हुए 2 मुकाबले हार जाए, तो हर मायनों में इनकी जगह सुपर 8 में
पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट के आधार पर तय होगी। जी हाँ, अगर अमेरिका दोनों मुकाबले हारेंगे, देखिए एक मुकाबला तो अमेरिका भारत के खिलाफ हार ही जाएगा, फिर बात एक ही मुकाबले की है और अमेरिका उस मुकाबले को हार जाता है जो कि आयरलैंड के खिलाफ है, तो पाकिस्तान उस रेस में आ जाएगा। लेकिन अगर अमेरिका आयरलैंड के खिलाफ जीत गया तो फिर पाकिस्तान सुपर एट से बाहर है। अमेरिका और आयरलैंड के उस मुकाबले पर जिस पर पूरा पाकिस्तान दुआ करेगा, आयरलैंड के साथ खेलेगा, वही आयरलैंड जिन्होंने पाकिस्तान को हराया था कुछ दिन पहले, वो बहुत बड़ी चांसेस क्रिएट करेंगे। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम कनाडा आते हैं, दो में से एक जीता एक हारा, दो पॉइंट के साथ में ये टीम बनी हुई है। इस टीम की कुछ हद तक उम्मीदें हैं, लेकिन हाँ, प्लेऑफ में सुपर एट में जगह तो नहीं बनाएंगे। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम यूएसए का आता है, दो में से दो जीते हैं और चार पॉइंट के साथ में ये टीम जो है फिलहाल दूसरे पायदान पर बने हुए है। यूएसए ने भी कमाल का खेल पिछले कुछ समय से दिखाया है, पहला मुकाबला जो इन्होंने जीता था वो कमाल का था और फिर पाकिस्तान को हराकर दो में दो जीत चुके हैं। बचे हैं दो मुकाबले, अगर एक भी जीत गए यूएसए तो फिर वो सुपर एट में जगह बनाएंगे। आयरलैंड के खिलाफ इनका बड़ा मुकाबला होगा और भारतीय क्रिकेट टीम ने तो खैर आयरलैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, दो में से दो जीते, पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर है, दो मुकाबले हैं कनाडा और यूएसए के खिलाफ, तो दोनों में से अगर एक भी जीते तो सुपर एट में जगह पक्की है। लेकिन खैर भारत तो दोनों में से दोनों जीत जाएगा, कोई जितना बड़ी बात होगी नहीं भारत के लिए, तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। तो भारतीय क्रिकेट टीम का सुपर एट में जाना तय है, यूएसए अगर आयरलैंड के खिलाफ जीत जाता तो यहाँ से टीमें जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ग्रुप ए की टीम का मुकाबला, मतलब भारत अगर इस ग्रुप में पहले पायदान पर खत्म करता है तो ग्रुप बी की भारत की दूसरे पायदान की टीम से मुकाबला होगा। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया दो में से दो जीत चुका है और इंग्लैंड के खिलाफ भी जीत चुका है, तो इसमें तो ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर खत्म करेगा, इसका मतलब इंग्लैंड क्रिकेट टीम जो है उससे सामना भारत का हो सकता है। लेकिन अगर जो इंग्लैंड दूसरे पायदान पर इस पॉइंट्स टेबल में खुद को खत्म करता है तो, और जिसके चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि बचे दो मुकाबले, अगर दोनों के दोनों जीत जाते हैं तो वो पांच पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि सुपर एट में भारत का एक मुकाबला इंग्लैंड से होने जा रहा है, फिर ग्रुप सी में ऐसे निकल कर आएगी पहले पायदान की टीम और वहां पर मेरे में ज़्यादा चांसेस अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज़ इन दोनों में से रहने वाले हैं। देखिए, अफगानिस्तान या वेस्टइंडीज़ अगर इनमें से कोई भी भारत के ग्रुप में आता है तो इंटरेस्टिंग कहानी बनेगी। और उसके बाद ग्रुप डी आता है और उस ग्रुप डी की दूसरे पायदान की टीम आएगी। इसमें देखिए, साउथ अफ्रीका दो में दो जीत चुका है तो साउथ अफ्रीका पहले पायदान पर खत्म करेगा, बांग्लादेश या श्रीलंका इन दोनों में से ज़्यादा चांसेस दूसरे पायदान पर रहते हैं तो वो आएगा, तो ग्रुप थोड़ा इजी हो जाएगा भारत के लिए। यहाँ अगर बांग्लादेश और श्रीलंका आए तो भारत का पलड़ा भारी रहेगा, अगर अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज़ आए तो भी भारत का पलड़ा भारी रहेगा ग्रुप सी से। हाँ, ग्रुप बी में एक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में से इंग्लैंड आएगी तो फिर दिक्कतें पैदा कर सकती है। लेकिन यह है सुपर एट के हालात और कुछ इस तरह के समीकरण बैठ रही हैं। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है?